अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के ऐलान 24 घंटे के बाद संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर तालिबान के कब्जे से पहले सरकार विरोधी तत्वों ने पूरे अफगानिस्तान में बड़े हमले किए थे। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ये सरकार विरोधी तत्व कौन थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करेंगे। विक्रम समूह में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के देश शामिल हैं। भारत को साल 2021 समिट की अध्यक्षता का मौका मिला है। हरियाणा के करनाल में किसान नेताओं और पुलिस प्रशासनिक अफसरों के बीच 3.25 घंटे चली वार्ता विफल हो गई। बातचीत में सहमति नहीं बन पाई। इस दौरान दो दौर में बातचीत हुई। पहले दौर की वार्ता में DC SP ने प्रशासनिक टीम का नेतृत्व किया और दूसरे दौर में रेंज कमिश्नर की अगुवाई में प्रशासन की बातचीत। कश्मीर में नेता तालिबान समर्थन में बयान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तालिबान सरकार का समर्थन किया है। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि तालिबान अब हकीकत बन चुका है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी तालिबान का समर्थन किया है। 10 सितंबर से शुरू होने जा रहे गणेश उत्सव के बीच मुंबई में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा। BMC की मेयर किशोरी पेडनेकर ने तो यहां तक कह दिया कि मुंबई में तीसरी लहर ने दस्तक दी है। सितंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में कोरोना के कुल मामलों में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। देश में बीते दिन 43,401 नए कोरोना केस मिले हैं। लगातार तीसरे दिन संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 40,611 लोग ठीक हुए और 339 मौतें हुई। वहीं एक्टिव केस में 3 दिन के बाद वृद्धि देखी गई है। बुधवार को कुल सक्रिय मामलों में 2,442 का इजाफा हुआ है। कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 22,24,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 43,09,000 हो गई है। वहीं अब तक कुल 5 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। युजवेंद्र चहल और शिखर धवन को टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर को स्टैंड बाय प्लेयर के रूप में शामिल किया गया है। पूर्व कप्तान MS धोनी की मेंटर के रूप में वापसी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर सरकारी तेल कंपनियों ने जुलाई माह में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। लेकिन अगस्त से लगातार कच्चे तेल में गिरावट रहने के बावजूद कंपनियों ने कोई खास राहत आमजन को नहीं दी है। इन दिनों में महज 15 से 20 पैसे तक की मामूली कटौती 3 से 4 बार की गई है। गुरुवार को बाजार की फ्लैट शुरुआत हुई। सेंसेक्स 58,142 पॉइंट पर और निफ्टी 17,312 पॉइंट पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 90 अंक गिरकर 58,160 पर और निफ्टी 30 अंक फिसलकर 17,320 पर कारोबार कर रहा है।